हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे कनेक्ट करना है अपने एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड के साथ। तो गाइस, जैसे कि अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो पहले आपको यूएसबी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ये फ़ोन जैसे फ़ोन का आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूएसबी के साथ आपको अपनी जो भी आपका फ़ोन है एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन है उसको यूएसबी के साथ कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्पल कार प्ले का। तो अभी तो जैसे मेरा कनेक्ट हो गया, लेकिन जैसे आपको मैं एंड्रॉयड का बताता हूँ, तो इसमें जैसे ही ऑप्शन आ गया कनेक्ट एन एंड्रॉयड डिवाइस ओवर यूएसबी और पेयर इट ओवर ब्लूटूथ स्टार्ट यूजिंग एंड्रॉयड ऑटो। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने जैसे आपको मेरा तो जैसे कनेक्ट हो गया, तो आपने ये एंड्रॉयड है तो आपको इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब यूएसबी लगाई होगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि सेम यही ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका यूज़र नेम और एंड्रॉयड होगा तो ऊपर ये लिखा आएगा, और उसके बाद ये तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शन में से गाइस, सबसे पहले आप जैसे जो भी एंड्रॉयड यूज़र है वो इसमें क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जब भी आप इसके साथ पेयर होंगे, ब्लूटूथ से पेयर हो जाएंगे, तो ये आप अप्लाई करेंगे तो ये आप देखिए साइन आ गया। तो अभी जैसे मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ, तो मैं जैसे इसको एप्पल कार प्ले करूँगा, आप देखो कितनी फास्ट ये इसका रिस्पॉन्स आया है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है गाइज, मैंने देखा जैसे कोई अच्छा लैग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे एंड्रॉइड के लिए मैं बड़ा परेशान रहा कि कैसे होगा, मैं भूल गया था आईफोन को कनेक्ट किया हुआ था, फिर इसको मैंने रीसेट किया तो वो दोनों ही मेरे अनपेयर हो गए। ऐसी कोई वीडियो कोई भी उसमें नहीं है चैनल पे एलिवेट की कि इसको कनेक्ट कैसे करना, तो मैंने कहा चलो अपनी ये वीडियो भी बनाई जाएगी और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। Thank you so much, guys.